ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाओ। प्रश्न, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको? बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे वो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं। अपने दिल से पूछो कि कहां तक हम पुण्यात्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था, वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनके भी डिनास्टी थी और भारत बहुत धनवान था, वह सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य और सीता राम का राज्य, वो भी डिनास्टी चली, जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया यह कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रास्ता है बाप, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रास्ता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे, ये भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, वो तो है अधूरी सी पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, जाने भी कोई कैसे। बाप तुमको ही बैर समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती, परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, यह 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं, बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य। पहले तुम पार्श बुद्धि थे, भारत पार्शपुरी था, सोने हीरे जवारों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि
कि हम सब पहले पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इनरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी ड्रामा अनुसार होना है, तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंचते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं, फिर है सूक्ष्म वतन, यह स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह तीन तबके हैं, गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है, जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े, 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते, ना कोई शास्त्रों में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो, बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं, बच्चे ही पावन से पति बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक कोई सब पुकारते हैं, रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाने पति शुरू होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प एक ही जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम देवी देवता राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेविन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो, वह था सुखधाम, यह है दुखधाम। 100% इनसॉल्वेंट, 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह सारा तुम भारतवासियों का चक्र, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अभी फिर तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, 5000 वर्ष पहले मुआफिक, कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो, सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है, कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है, यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसाल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है, उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुंधा हुआ है, सो भी अविनाशी, 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसकी एंड हो नहीं सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है, यह चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है वाई प्लट, इस्लामी, बौद्धी आदि, कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं, यह विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं मुख्य है प्यूरिटी, इसलिए कहते हैं विशेष को वॉइसलेस बनाने वाले आओ, वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो, तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है,
शरीर द्वारा शरीर नहीं पड़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पड़ती हूँ, इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्यात्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं यह करता हूँ, तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतोप्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाएं पड़ी हैं, खाद पड़ते पड़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा, मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पति से पावन बनना। साधु संत आदि सब पति थे। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामेकम याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिकों का मासुक मैं हूँ। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक है। मासुक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, यह मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना। वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। यही याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। यह कॉर्पोरियल ट्री निराकारी दुनिया से सबको नंबर वार आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यह आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते, यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाप किंगडम स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सतयुग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर की स्थापना हुई थी, अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर के गेट खुलेंगे। स्वर के द्वार बाप खोलते हैं, नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपने राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पेशियस कल्याणकारी योग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वायसले सुखधाम था, अब विशेष दुखधाम है। वर्त नोटे पैनी है, यह ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है।
कर्म करते भी बाप की याद में रह विकर्माजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, पुण्यात्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देहाभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान पास विद ऑनर बनने के लिए सर्वद्वार संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्वद्वार संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से अपने पुरुषार्थ व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं उन्हें संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अच्छा, ओम शांति।